बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, आज हम बनाएंगे अपने किचन में लस्सी वाला साग। पंजाब की बहुत ही मशहूर सौगात है और पंजाबी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि यूके में जिधर लस्सी नहीं मिलती, तो आप दही की लस्सी बना के किस तरह से इजीली घर में बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ लस्सी वाला साग कैसे तैयार कर सकते हैं। स्पेशल बात यह थी इस साग की कि इसको मैंने मिट्टी की हांडी में तैयार किया था। रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलें यहाँ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देखें, एक पैकेट ये मैंने बेबी स्पिनेज का जो बड़े वाला पैकेट होता है एक ये ले लिया था, और इसके साथ ये वाइल्ड रॉकेट जो है इसका एक छोटा पैकेट ये ले लिया था। इन दोनों को अच्छी तरह से काट के तो 3 से 4 पानी में धो लेना है आपने। अब जो है ये मिट्टी की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, और उसमें ये पालक जो बेबी स्पिनेज थी हमारी और जो वाइल्ड रॉकेट, ये दोनों चीज़ें जो है मैंने काट के धो ली हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इस पालक को इसमें पानी ड्राई होने तक इसमें पकाएंगे, और इसमें भी कुछ भी शामिल नहीं करना है। तो जब तक पालक का पानी ड्राई होता है, दूसरी तरफ हम अपनी लस्सी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें, एक अच्छा बड़ा सा बाउल ले लेना है, और इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, यानी कि दही। ये एक पैकेट जो है डब्बा मैंने ये खट्टे वाला दही का उसका डाला था, और एक पैकेट जो है वो ग्रीक योगर्ट का डाला था। तो अगर आप खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप नॉर्मली यही ग्रीक योगर्ट जो होता है ये डाल लें, और अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है साग तो फिर आप उसमें जो दूसरा मैंने योगर्ट पाकीज़ा योगर्ट डाला है वो भी डालें आप। तो ये 2 पैकेट जो थे या 2 डब्बे दही के मैंने डाल दिए। तो अब इस दही में पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 लीटर तक मैंने इसमें खुला पानी डाला था। तो पानी डालने के बाद इसमें मसाले डालूंगी मैं। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून बेसन है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून नमक था ये डाल दिया मैंने। उसके साथ ये 2 टेबलस्पून चावल है, इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था ये डाल दिया है। और अब ये इस मिक्सर की मदद से इस लस्सी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चावल भी मैंने इसी में शामिल कर दिए हैं, दड़ा मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, हल्दी डाली है और बेसन डाला है। ठीक है, ये बस चीज़ें जाएंगी इसमें। लस्सी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा साग जो है या पालक जो है वो किस पोजीशन पे है। ये देखें, काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया है, लेकिन बिल्कुल हमने प्रॉपरली इसको ड्राई करना है अच्छी तरह से। तो अब जो है पालक ये थोड़ी साबुत साबुत है, तो मैं इस ऐसे करूंगी कि वो जो ग्राइंडर है उसकी मदद से हल्का सा पालक को ग्राइंड कर लूंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें, बिल्कुल ऐसे आपने ऊपर रख के थोड़ी थोड़ी जगह पे तो उठा लेना है, हल्का सा इसको ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। तो ये देखें, पालक जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। अब इसमें ये जो लस्सी तैयार करके रखी थी ये शामिल कर देंगे, और लस्सी डालते साथ ही चम्मच जो है उसको मुसलसल चलाते रहना है जब तक कि अब इसमें बॉयल ना आ जाए। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये जो लस्सी है ये फट जाएगी और फिर आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, और आप जहन में कोई गुनगुना लें, कोई नात पढ़ लें, कुछ भी सोच लें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बॉयल आने में। और कहते हैं अगर किसी से आपने बदला लेना हो ना, तो उसको कहें भाई 1 मिनट ये ज़रा चम्मच हिलाना जब तक इसको बॉयल ना आए, उसको लग पता जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो खैर, ये देखें जी, लस्सी में बॉयल आ गया है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि इसको बॉयल आने में तकरीबन 45 मिनट्स लग गए थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसने चम्मच क्यों फेंक दी इसमें। तो चम्मच इसलिए फेंकी है इसमें ताकि ये बॉयल आके लस्सी ऊपर ना आ जाए और ये देखचे से बाहर ना गिरे और हमारा चूल्हा वगैरह सब कुछ गंदा ना हो। ठीक है, अब जब तक साग जो है वो बॉयल हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। इनको जो है इस तरह से आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो अगर आप सिर्फ लहसुन का तड़का लगाना चाहें तो आप मिर्चें जो हैं वो साग में शामिल कर दें और फिर सिर्फ लहसुन का तड़का लगा दें। तो ये देखें, तड़का भी मैंने रेडी करके रख लिया है। साग जो है वो अपने टाइम पे रेडी होगा। साग और कढ़ी जो है वो पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तड़का रेडी करके रख लूँ ताकि जिस टाइम पर फिर मैं तड़का लगाऊँगी तो मुझे कोई परेशानी ना हो। तो ये देखें जी, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं उनको पीस के साइड पर रख लिया है, और अब साग जब हमारा रेडी हो जाएगा तो हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो चले देखें, साग जो है वो काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है, तो अब तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने इसमें तकरीबन
पाँच से छः टेबल स्पून जो है वो मक्खन शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी है आप देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, ऑयल का लगाना चाहें ऑयल का लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, जो आप करना चाहें आप करें, आप अपने बॉस हैं। तो वो जो हरी मिर्चें और लहसुन मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैंने बटर में शामिल कर दिया है और अब इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें ये लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें एक टेबल स्पून खूब भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरे की शामिल की है, इसको बस एक दो मिनट के लिए लाएंगे और इसको जो है वो साग में शामिल कर देंगे। ये देखें ये डालते साथ आप देखें साग जो है वो कैसा हमारा मक्खन मलाई जैसा हो गया। तो तड़का डालने के बाद भी साग को जो है वो मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था क्योंकि हरी मिर्चों का तड़का है तो वो अच्छी तरह से साग में शामिल हो जाए। अब ये देखें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया इसमें और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करूँगी। कुछ लोग जो हैं वो जब पालक के साथ ही मेथी जो दूसरी मेथी फ्रेश मेथी होती है वो डालते हैं इसमें, लेकिन मैंने इस स्टेज पे इसमें ये कसूरी मेथी शामिल की है। ये देखें कितना अच्छा साग जो है वो पक के तैयार हो रहा है। अभी 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी बहुत ही टेस्टी साग जो है वो रेडी हो चुका है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बोलती है, ये थकती नहीं है। आप यकीन करें एक वीडियो की एडिटिंग के बाद 5 से 10 मिनट लग जाते हैं सांस जो है उसको नॉर्मल करने में, क्योंकि 5 से 6 मिनट में पूरी रेसिपी आपको एक्सप्लेन करनी होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।